सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं होने के कारण क्षेत्रीय जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ित महिलाओं को हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है, जिस कारण कई बार मरीजों की मौत तक हो जाती है। क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य गोपा थपोला तथा पूजा आर्य ने कहा कि कई बार मांग करने के उपरांत भी प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग कांडा में महिला चिकित्सक की तैनाती की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। मैं आशा कार्यकर्ती श्रीमती बसंती देवी ग्राम सभा सिमकोना की हूँ। मैं कल रात 1 बजे प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद गर्भवती महिला को यहाँ लेके आई। महिला चिकित्सा अधिकारी यहाँ न होने के कारण भी हमारे डॉक्टर हरीश पोखरियाल जी ने हमारी डिलीवरी यहाँ करवाई। जैसे कि बच्चे का यहाँ होना असंभव था, फिर भी सर ने बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा किया। बच्चा हुआ मेरा 3 किलो 800 ग्राम का बच्चा हुआ 2 बजे। महिला श्रीमती प्रतिभा देवी वायो सोहन कुमार ग्राम सभा सिमकोना, उसका लड़का हुआ 3 किलो 800 ग्राम का बच्चा हुआ। 1 बजे लेके आई थी, 2 बजे हो गया नॉर्मल डिलीवरी कर रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में महिला चिकित्सक न होने के कारण यहाँ पर आए दिन जो हमारे प्रसव की महिलाएं हैं या अन्य बीमारी से ग्रसित महिलाएं हैं उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है, जिसके लिए उनको बागेश्वर जाना पड़ता है या अन्य जगह उनको जाना पड़ता है, जिससे हमारे क्षेत्र की आम गरीब महिलाओं को इसका बहुत ज़्यादा आर्थिक भार भी पड़ रहा है। तो मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जो अस्पताल हमारा एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा है, इसमें महिला चिकित्सक की नियुक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। पूर्व में जो यहाँ पर महिला चिकित्सक थी वो बहुत ही अनुभवी महिला चिकित्सक थी और यहाँ पर बहुत दूर दराज से मरीज आते थे। आज वो महिला का भी यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, वो अन्यत्र चली गई है, लेकिन तब से यहाँ पर एक महिला चिकित्सक का न होना बड़ा दुखदायी है। कांडा तहसील में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 1 साल से इसमें एक महिला चिकित्सा का एक पद जो रिक्त रहा है, जिससे क्षेत्र के कई लोगों को उनकी समीक्षा का महिलाओं को ज़्यादातर महिलाओं को उनका सामना करना पड़ा है। इस क्षेत्र का ये एक ही सामुदायिक केंद्र है, यहाँ से भंडारी गांव, रावत सेरा और सन्यूडार जैसे दुरुस्त इलाकों का ये एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर महिला चिकित्सा ना होने की वजह से लोग इतने दूर से अगर प्रसव के लिए बागेश्वर जा रहे हैं तो उनके बच्चों को भी उनको नुकसान हो रहा है और कई महिलाओं ने अपनी अब उन महिलाओं को भी अपना नुकसान हो रहा है। मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ एक महिला नियुक्ति की जाए जिसे समाज की सभी महिलाओं को लाभ मिल सके। अभी विगत 1 वर्ष से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में महिला डॉक्टर यहाँ पर तैनात नहीं है। पहले थी तो उनका स्थानांतरण हो गया और उसके बाद से 1 साल से रिक्त चल रहे पर। तो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को करीब 10,000 की जनसंख्या यहाँ पर है। कुछ ही लोग यहाँ पर हैं जो अपने मैं कहूँगी कि वित्तीय सक्षम नहीं है तभी वो लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो कुछ काफ़ी लोग अन्यत्र भी चले जाते हैं। इन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं के न होने के कारण ही ज़्यादा लोगों को बाहर को जाना पड़ता है, यही इन्हीं समस्याओं की वजह से। अभी हम बात कर रहे हैं, पहले से यहाँ पिथौरागढ़ से भी आते थे लोग, हमारा रावतसेरा सनीउडियार खाती गांव यहाँ से लेकर सारे कमेड़ी देवी इधर से लेकर सारे क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ तक कि बागेश्वर से भी काफ़ी लोग प्रभावित होकर यहाँ को आ रहे थे। अब जब आज की स्थिति आज कांडा में ऐसी स्थिति हो गई है कि महिलाओं को यहाँ से प्रसव के लिए जाना पड़ता है बागेश्वर, वहाँ जाने तक प्रसव पीड़ा से एक तो यातायात की सुविधा नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है, काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है महिलाओं। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर महिला डॉक्टर की तैनाती की जाए और जिससे हमारे क्षेत्र की महिलाओं को और हमारे जच्चा बच्चा जो सुरक्षित रखने का आज जो वादा किया जाता है वो उसमें खरे उतर पाए। CCN न्यूज़ के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।